हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुशवाहा। आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लोकसभा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पर जानेंगे कैसे क्या लोकसभा के ऊपर क्या क्या होता है, लोकसभा में कैसे क्या जाना जाता है, इसकी जानकारी मिलेगी। तो आप स्टार्ट करते चलिए, लोकसभा के सामान्य ज्ञान प्रश्न पॉइंट है। फर्स्ट, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों में आवंटित किस राज्य पर आधारित है? किस पर स्थानों के लिए आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं। कौन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भूतपूर्व सांसद को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है? लोकसभा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों में अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकते? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद के लिए किस प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यालय में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यालय एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कैसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कि कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया K.S. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आपंगर।
किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष के देश के हाउस ऑफ कॉमन्स किस तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू। आईसी ब्लॉक सेल्फ एजुकेशन आईसी ब्लॉक।